मैं हूं गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं कसरावत की खबरों की ओर। कसरावत बुधवार को बकरा ईद के त्योहार पर मुस्लिम समाज के द्वारा सभी मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए पांच पांच लोगों के द्वारा नमाज अदा की एवं ईदगाह पर भी पांच लोगों के द्वारा भी नमाज अदा की गई। इस अवसर पर सभी मस्जिदों के पेश इमामों के द्वारा दुआ मांगी, जिसमें देश में अमन चैन एवं बारिश के लिए दुआ मांगी गई। इस अवसर पर मुस्लिम समाज सदर रईस कुरैशी, इकबाल शाह, जाकिर खान, पत्रकार अनीश खान, पत्रकार मुजाहिद खान, जाहिद अजमेरी, अबरार खान, अकील शेख आदि समाजजनों ने मुबारकबाद दी एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह यादव, ओम प्रकाश पाटीदार, पंकज सर, दिनेश पाटीदार, देवदत्त एकल, डॉक्टर शिरीष जायसवाल, अश्विन जोशी, वकील पप्पू सोनी आदि ने बधाई दी। कसरावत से अनीस खान की रिपोर्ट। के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ईदगाह में पांच लोगों ने नमाज पढ़ी। अब मुस्लिम जमात के शहर सदर रईस कुरैशी जी, इस बारे में आप कौम को और समाज को और देश को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं मुस्लिम समाज की ओर से सभी को बकरा ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो शासन के दिशा निर्देश प्राप्त तो हुए थे कि कोविड का ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मस्जिदों में भी पांच पांच लोगों को नमाज की इजाज़त मिली थी और ईदगाह में भी पांच सात लोगों की इजाज़त मिली थी, तो आज मेरे साथियों ने यहाँ पे नमाज अदा की है। मेरे साथ पांच छह साथी मेरे, जाकिर भाई पत्रकार, अनीश भाई, निजाम बाबा, हनीफ भाई दरबार, सईद भाई हेडली, मुजाहिद खान, पटवारी जीजा, ये मेरे सब साथियों ने यहाँ पे नमाज अदा की है, जिसमें जामा मस्जिद के इमाम साहब भी थे और हमारे इमाम साहब भी थे जिन्होंने यहाँ पे हमको नमाज पढ़ाई है। और साथ ही ये एक दिशा निर्देश के अनुसार पालन भी हुआ है और ईद की बहुत बहुत बधाई। और कोविड का ध्यान रखते हुए सबने आज देश में जो माहौल बना है और जो व्यवस्थाएं चल रही, लोग परेशान है, उस बारे में अमन चैन के लिए क्या क्या दुआ मांगी और क्या आप लोगों को कहना चाहते हैं कि जिससे अल्लाह ताला खुश हो, बारिश, रहमतों की बारिश हो, उस बारे में भी शॉर्ट में कुछ बताएं। अल्लाह का एहसान और करम है कि ईद का त्यौहार आते ही रात से रिमझिम रिमझिम बारिश, मौसम ने करवट बदली, अल्लाह की रहमत बरस रही है और आज सवेरे भी अच्छी खासी एक पानी गिरा है सवेरे में। उसके कारण जो 9:30 बजे का टाइम था तो 10 बजे ईद की नमाज यहां पर ईदगाह में हुई है। मौसम ने भी अपना मिजाज बदला, अल्लाह की रहमत बरस रही है। और साथ ही अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि पूरे देश में अमन, सुकून, चैन, भाईचारा बना रहे और पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से एक बार मैं पुनः ईद की सबको बधाई देता हूँ।